गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडे इज़ द 4th of October और आज हमारी है रिटर्न जर्नी ऑल द वे बैक होम। लेकिन सबसे खास बात पता है क्या है? आज हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन तिरुवनंतपुरम वीरावल एक्सप्रेस में, जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं उड़पी से लेकर मड़गांव। समझ रहे हो, पहली बार अभी इस जर्नी में LHB कोच के साथ। और एक मज़ेदार चीज़, सबसे खास बात जो ये थी वो ये है कि ये जो ट्रेन है ना, ये उसको उड़पी पहुँचाइए 20 मिनट पहले। समथिंग वेरी रेयर इन द कोकोनट, समथिंग रेयर मेरे साथ, स्पेशली टू अ पर्सन हु इज ऑलवेज हैड ट्रेन्स कम डिलेड बाय 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, समटाइम्स 1 आवर, और इस वाले रूट में तो अभी 5 घंटा। कंपेयर टू दैट और कंपेयर टू ये कि 20 मिनट पहले पहुँची है, इज़ अ वेरी वेरी इनोवेटिव थिंग। बहुत अच्छा लगा। आज मेरा कोच है S1, स्लीपर में जर्नी कर रहा हूँ, सीट नंबर है 42, मिडल बर्थ। और यार मज़ा बहुत आ रहा है आज, सीरियसली पहली बार ट्रेन को जल्दी देखा मैंने, 20 मिनट जल्दी। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लूप्ड है अपनी वीरावल एक्सप्रेस। चलिए आपको कोच कॉम्पिटिशन बता देता हूँ अभी सिंस हमारे पास टाइम है। इस ट्रेन में टोटल 10 स्लीपर के कोच है, 6 3rd AC के कोच है और 1 2nd AC का कोच है, एंड देन वी हैव गॉट 2 GS डब्बास। तो जो है इस वाले ट्रेन के जो स्लीपर है ना, कॉस्ट अराउंड 250 रुपीज़, बट सिंस आई बुक तत्काल मुझे थोड़ा महंगा पड़ गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो हमें मिला कुछ रास्ते जाने के लिए वापस। सो आई वॉन्टेड टू रीच होम अर्ली, आई वॉन्टेड टू रीच होम सेफ। सो मुझे लगा था कि ये ट्रेन मेरे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, और स्लीपर तो स्लीपर, रास्ते में और क्या सोने वाले, AC किसको चाहिए। चलिए फिर, अभी आज ना बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग होने वाली है, और इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग होने वाली है, तो सब कुछ दिखाना है आपको। डटे रहना, बी रेडी फॉर एन अमेजिंग जर्नी अप अहेड, एंड उम्मीद है टाइम पे ही पहुँचे वापस हम करमली। अभी यहाँ तक इतना जल्दी पहुँचे ही हैं, तो होपफुली करमली तक वी विल रीच ऑन टाइम, देखते क्या होता है। फाइनली हमारी ट्रेन अभी डिपार्ट कर रही है उड़पी से। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन है फॉर दोज़ हु आर गेटिंग डाउन टुवर्ड्स मणिपाल यूनिवर्सिटी। कुछ यहाँ पर यूनिवर्सिटीज काफ़ी ज़्यादा भरी पड़ी है ना, इसीलिए। और आई डिड नॉट से दिस, लेकिन कृष्णा मंदिर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब दर्शन भी करके हम आ चुके थे, काफ़ी ब्यूटीफुल और सीरीन प्लेस है। एंड आर कोच इज ऑन द एक्सट्रीम एंड ऑफ द ट्रेन, द फर्स्ट टाइम ऑल्सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस हैविंग कोच ऑन द एक्सट्रीम एंड। बाय उडुपी अंटिल नेक्स्ट टाइम। राइट, आ चुके हैं हमारे पहले होल्ड पे कुंदापुर, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम टाइम पे पहुंच चुके हैं, फिर आप कह सकते हो। जानने की बताने की जरूरत नहीं कि इस जगह क्यों फेमस है। मरावंटी बीच है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा बीचेस हैं, कोस्टलाइन एरिया है, यहाँ पर फिश फूड भी बहुत फेमस होगा। यहाँ पर खाली 2 मिनट का स्टॉप है। द बेस्ट पार्ट अबाउट टूडे इज दैट यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड क्रॉसिंग्स, गरीब रथ, यू नो, मत्स्यगंधा, नॉट मेनी ट्रेन्स आर गोइंग टू कम टूडे इंक्लूडिंग हमसफर एक्सप्रेस। सो आज दिन बहुत अच्छा है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी है, एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी ट्रेन बिटवीन केरला एंड गुजरात। सो यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी लगती है इस ट्रेन पे।
नीचे क्रॉसिंग है कि नहीं, वरना आपको डिपार्चर ही दिखाते हैं और क्या। फाइनली पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का फिलहाल के लिए इस रूट पे दूसरा हॉल्ट बिंदूर मुकाम्बिका रोड। यहाँ से जो है कोल्लूर मुकाम्बिका जो मंदिर है सबसे ज़्यादा क्लोजली एक्सेसिबल है। जाते समय भी हमारा यहाँ पर हॉल्ट था और आते समय भी हमारा हॉल्ट ही है। थोड़ा 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पर जनता बहुत उतर चुकी है, बहुत सारे जनता लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थी आते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो इम्पोर्टेंट हॉल्ट है यहाँ पर, एक ही प्लेटफॉर्म का स्टेशन है लेकिन और एक ही ट्रैक है। तो क्रॉसिंग कैसे लगी बीच में बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। आगे जाके और क्रॉसिंग जाएंगी फिर आगे जाने पर। भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। आगे भी बहुत भीड़ थी लेकिन ये शायद इसके लिए नहीं, कहीं और ट्रेन के लिए होगी शायद आगे जो भी आने वाली है। दिखाते हैं डिपार्चर आपको। और खाने पीने की सारी सुविधाएं ऐसी हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपांशन की ज़रूरत है यानी तो फिर क्रॉसिंग में दिक्कत होती है कुकड़ में। पहले से ही सिंगल रहने ऊपर से सिंगल लाइन का स्टेशन बनाते हो थोड़ा अजीब लगता है ना। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपको।
ऑफिशियली निकल रहे बिंदुर से, और आप देख सकते हो कितने सारे दर्शनार्थी यहाँ पर है। मंदिर ऐसा एक्चुअली है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर, बट दिस इज द नियरेस्ट स्टेशन टू द टेम्पल। सो ऐसे बस निकलती है, यू नो देर आर कैब्स, देर आर बसेज ऑल्सो एंड ऑटोज ऑल्सो आई गेस, सो देन यू कैन प्रीफर वॉट एवर सूट्स यू गाइस। यहाँ पर एक्चुअली आगे होटल भी है, तो चाहो तो अगर आप लेट आओ ना तो यहाँ पर रुक भी सकते हो शायद ओवरनाइट। एक बार गया हुआ था मैं कोल्लूर, मतलब कोल्लूर हाँ वही काफ़ी साल पहले। इतने सारे लोग यार, बहुत अजीब लगता है कि जब से हमारी ट्रेन निकली है ना, ब्रेकफास्ट का ऑर्डर लेने कोई आया नहीं, टीसी आया नहीं। इसकी मुझे बहुत यू नो आई हैड अ फर्म गारंटी कि टीसी विल नॉट कम, बट यार ब्रेकफास्ट ऑर्डर लेने के लिए तो आओ ना यार, भूख लगी यार कभी तो कोई तो आओ इंसान। हमारा कॉल सबसे एंड में इसीलिए शायद वो आते नहीं है, बट इज नॉट द वे। पानी तक देने के लिए कोई नहीं आता, अच्छी बात है पानी लेकर आया था, बट इज नॉट द वे, पानी लेकर आना चाहिए ना। हालांकि रियल नहीं देखा मैंने है पेंट्री में, बहुत ज़्यादा रियल नहीं रही, इट्स अ गुड थिंग, बट लेकिन तो वही तो ना। आगे मिलते हैं, अभी आपसे बहुत कुछ दिखाना है। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 WAP-4E अराकोणम शेड के साथ।
तो अभी हम ले चुके हैं हमारा ब्रेकफास्ट पैंट्री से, एकदम गरम गरम है उपमा मेदू वड़ा जो मुझे पड़ा 50 का। रेट बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस ट्रेन का पैंट्री कार है, यहाँ पर खाना एकदम गरम गरम बन के आ जाता है और प्लस आपको भी पानी की भी सुविधा हो जाएगी। और पानी जो है वो रेल नीर है, आप मेरी गारंटी ले सकते हो, द वाटर इज ऑफ रेल नीर, और रेल नीर का ही पानी खरीदे वो भी 15 रुपये में, नॉट 20 या 25 रुपये में। इफ दे सेल इट एट दैट रेट देन यू शुड हैव द एबिलिटी टू फाइट फॉर इट ऑल्सो, इफ यू गेट व्हाट आई मीन। फिलहाल यहाँ देखो इस ट्रेन के एसी कोचेस जो है बाहर से कुछ ऐसे दिखते हैं। तो इसमें कई सादा थर्ड एसी की कोच है, अराउंड 6 थर्ड एसी कोचेस जैसे कि मैं आपको पहले ही बता के रखा था, और बीच में आप देख सकते हो हमसफर का भी कोच लगा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल ये है भटकल स्टेशन। हमारी ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पे तो फिट नहीं हो रही थी इसलिए यहाँ पर ऐसे आ गए। कल इंस्पेक्शन कर रही थी यार, कोई नहीं अब तो चलेगी हमारी। तेरा बड़ा उपमा जो मैंने लिया है अराउंड 50 रुपीज़ का, वहाँ पर यू कुड गेट एक्चुअली इडली वड़ा का भी ऑप्शन था और अपना एक और ऑप्शन था एक्चुअली, तो ऑल थ्री ऑफ देम वर्किंग 50 रुपीज़ ही। चाहे रहा उपमा आनी वड़ा गरम गरम है, टेस्ट करके बात बताता हूँ कि टेस्ट कैसा है। फिलहाल हम फिर भी भटकल में ही है, अभी तक कुछ हिले नहीं, तो आराम से बैठ के खा भी सकते हैं। मैंने निकल रहे हैं हम यहाँ से मतलब अपने भटकल से और आगे खड़ी है कारवार यशवंतपुर, लेकिन उसके पास तो डीजल लगो है यार, मुझे लगा उसके पास इलेक्ट्रिक लगो था अंटिल मैंगलोर, यार कोई नहीं। एंड में होपफुली आपको विस्टाडोम देखने का एक बार मौका मिले, बीच में पूरा स्पॉइलस्पॉट ट्रेड करता है कुछ। और एक बहुत अच्छी चीज ने भी नोटिस की कि गाइड थे स्टाफ ना, दे केम विद अ नो फॉर्म चेक एंड अपॉइंटमेंट कैसा लगा, टिक मार्क करना और फिर साइन भी मारना नीचे नंबर डालने के बाद, तो कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पहली बार जो फीडबैक फॉर्म दिया मैंने वापस, तो अच्छा लगा ना ये फीडबैक के, ट्राई फॉर मोर इम्प्रूवमेंट ऑफ द लेटर, गुड थिंग। ये मेरा अगला स्टॉप है सीधा भी अंकोला, उसी का ही वेट कर रहा हूँ।
पहुंचेंगे बहुत जल्दी पहुंचेंगे तो करना के बाद सीधा अभी फिर अपना बोला ही इससे भी कम आता है। तकरीबन डेढ़ घंटे के नॉनस्टॉप रन के बाद अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अंकोला। यहाँ पर एक्चुअली टेंपल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कोस्टल टाउन है तो यहाँ पर फिश भी काफ़ी ज़्यादा फेमस तो होगा ही। यहाँ पर खाली 2 मिनट का ही होल्ट है, सिग्नल भी लग चुका है। अगला स्टॉप है सीधा कारवार, कारवार के बाद मड़गांव, फिर मड़गांव के बाद हमारा फाइनल होल्ट करमाली। चलिए शायद सिग्नल लग चुका है, आगे कंटिन्यू करते चलो। भारत में 2 वॉरशिप म्यूजियम है, एक है विशाखापट्टनम और एक है हमारा INS चप्पल कारवार। सो कारवार में आप सभी का स्वागत है, स्टेशन कोड KWR। और यहाँ तक रन यार बहुत मज़ेदार था, स्मूथ रन था, LHB कोच तो था ही, सो उसमें कोई दिक्कत तो आई नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर ना ऐसे कई सारे जो कैडेट्स हैं वो भी ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, मतलब जो स्काउट्स वगैरह होते हैं ना उनकी ट्रेनिंग भी होती है। मैं एक बंदी से मिला था जो कि मैंगलोर में थी, एंड कहा जाए कि खाने की तो भाई यहाँ पर फिश फूड इतना ज़्यादा फेमस है। अमृत होटल का तो नाम सुना ही होगा आपने, तो ऐसे कई ज़्यादा चीज़ें फेमस है अपने कारोबार में। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है और यहाँ से नज़दीक इनफैक्ट कर्नाटका का ओनली न्यूक्लियर प्लांट भी है, वन ऑफ दी ओनली, जो कि है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और चलिए आप कुछ बता देता हूँ इस ट्रेन के बारे में। जब ऊपर आंकड़ा देख रहे हो ना, ये 20, एक्चुअली ये 20 जो है वो 20 वो इस कोच का मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, मैन्युफैक्चरिंग 2020। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेनी स्लीपर कोचेज इन दिस ट्रेन जो कि मैन्युफैक्चर्ड 2020 में। बात करें LHB कोच के स्पीड लिमिट की ना, तो इट इज़ अराउंड 160 किलोमीटर्स पर आवर, तो इतना तक सस्टेन कर सकता है जो कि, बट जो ICF है ना इट्स अराउंड 120 किलोमीटर्स पर आवर। एक और बात है LHB देखिए, एडवांटेज से तो हिलती नहीं है, स्टडी रहती है एट हाई स्पीड ऑल्सो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज दिस रेक इज मैनेज बाय सदर्न रेलवे, सो इफ यू नोटिस ऑल द स्टाफ इन द पेंट्री ऑल्सो इज जो है वो केरला से ही है, तो यहाँ पर खाना तो अक्सर साउथ इंडियन ही मिलता है। एंड जितने भी मैंने SRK ट्रेन आज तक ट्रैवल किया हूँ, मैं जितने भी सदर्न रेलवे के जो रेक्स हैं ना, हमेशा साफ और हमेशा वेल मेंटेन्ड होते हैं। जैसे कि मैं दिखाया था आपको, साफ सुथरा जो है वो क्लीनलीनेस टाइम टू टाइम पे मेंटेन किए जा रहे हैं वो लोग, से बहुत अच्छी बात है एक्चुअली। और खाना हमेशा फ्रेश बन रहा है, तो आप एक्चुअली खाने का टेंशन मत लो, यहाँ पर खाना बहुत बढ़िया मिलता है। जितने सारे SRK ट्रेन हैं ना जिनके साथ अटैच पेंट्री है, दे ऑलवेज हैव गुड फूड टू इट। नेत्रावती हो, चाहे मैंने नेत्रावती में ट्राई किया है और मैंने इस वाले में भी ट्राई किया है, मतलब अपने रिवरावल एक्सप्रेस में, सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड ऑफ द फैक्ट कि द फूड इज़ गुड। तो अभी शायद मैंगलोर एक्सप्रेस का आगे हमारा क्रॉसिंग हुआ, मे बी इन असनोटी, मे बी इन लोलियम, सो लेट्स सी वेयर इट हैपन्स। फिलहाल सीधा आपसे मिलते हैं जहाँ पर क्रॉसिंग होती है, फिर सीधा इन मड़गांव।
वुड बी लुक्ड इन फॉर फ्रेंड द बैंगलोर एक्सप्रेस वुड बी लुक्ड इन फॉर अस लेकिन नहीं बट वी आर लुक्ड इन फॉर बैंगलोर एक्सप्रेस इंस्टेड के सबसे बिजी स्टेशन पे मडगांव जंक्शन पे आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली मैंने यहाँ तक आपको लोगों नहीं दिखाया ट्रेन का, उड़पी में दिखाना चाहता था लेकिन कोच बहुत पीछे था, इसलिए अभी कोशिश कर रहा हूँ आपको लोगों दिखाने की। चलिए एक बार ट्रेन के एकदम एंड पे चलते दिखाते हैं आपको। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है अपनी मडगांव CSMT जनशताब्दी एक्सप्रेस। बढ़िया। एक्चुअली जो मेरा ऑफिशियल टिकट था ना, इट वॉज अंटिल मडगांव करमली में, इसीलिए उतर रहा हूँ क्योंकि मेरा घर वहाँ से नज़दीक है। सो द थिंग इज दैट मैं शिफ्ट किया था अभी स्लीपर से लेकर सेकंड सीटिंग ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसीज मेंटेन है। सो अभी मैं आपको लोगों नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज वहाँ पर फिलहाल RPF लोग खड़े हैं, तो अगर उन्होंने स्पॉट किया तो प्रॉब्लम है बिकॉज यहाँ पर पहले रिकॉर्डिंग के नाम पर पहले ही वो बहुत कर जनाटक करते हैं, इसलिए अभी अगर रिकॉर्डिंग करके दिखा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए करमली में दिखाता आपको लोगों ने। ठीक है ना, अब बस और आधा घंटा है फिर पहुँचेंगे करमली अपन। ये रहेगी जनशताब्दी और आगे से इनफैक्ट ना एंटर कर रही अपनी ओखा एर्नाकुलम एक्सप्रेस, उम्मीद आपको दिख रही होगी। और कल्याण का WDP 4D कस्टमरी पावर करता है हमारे जनशताब्दी को। कारवार पंचगंगा खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, जब फिलहाल खुला तो है नहीं, अगर बहुत जल्दी हो जाएगा गाड़ी। डिपार्टिंग फ्रॉम मडगांव द बिजिएस्ट स्टेशन ऑफ गोवा। We'll be right back.
जनरल कोच का फायदा कि आपको ईएमटी के भी आवाज दिखा सकता हूँ, तो जो कि देखा गया तो पर तो मैं लूप करती था वेरना पे और यहाँ पे हो रही हमारी क्रॉसिंग। मछली इसको पकड़ करने अभी हम निकल रहे हैं वेरना से। पकड़ने एक्चुअली आज बहुत थोड़ी लेट आ चुकी है, थोड़ी बहुत लेट है शुरू से।
गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं करमाली, और एक और बहुत ही ड्रामेटिक या फिर मैं कह सकता हूँ एक बहुत फैंटास्टिक व्लॉग की जो जर्नी है यही ख़त्म हो जाती है। फिलहाल अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, कि कम्युनिटी बढ़ाए उसने हम सब के लिए बेहतर है, ना कि मेरे लिए खुद को। और शेयर इट टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। जो अंदर जर्नी तो बस शुरुआत है, आगे आगे और बहुत कुछ आने वाला है। चलिए टेक केयर, सी यू।